चिक्कड़पल्ली पुलिस ने इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वाई केसरी प्रसाद के खिलाफ अगवा और मारपीट जैसे संगीन दफात में मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। तफसीलात के मुताबिक ई राजू नामी शख्स, जो कि रियल एस्टेट का कारोबार करता है और पुलिस इंस्पेक्टर प्रसाद का दोस्त भी है, इसको इंस्पेक्टर प्रसाद ने कारोबार के लिए कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन उनके भाई के नाम पर करें, लेकिन राजू ने अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाया। ये देखकर इंस्पेक्टर प्रसाद पैसे वापस करने के लिए राजू पर दबाव डालने लगा। काफी दबाव डालने के बावजूद जब पैसे वापस न मिले तो दो दोस्तों के हमरा इंस्पेक्टर प्रसाद राजू को जबरदस्ती अपनी कार में उस वक्त बैठा लिया जब वो ECIL में मौजूद एक होटल में नाश्ता करने के बाद होटल के बाहर आया था। जबरदस्ती राजू को अपनी कार में बिठाने के बाद इंस्पेक्टर प्रसाद राजू को चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन ले आया और क्राइम रूम में ले जाकर उसके दोनों पांव बांधकर खूब मारा गया और फिर सफेद कागज पर उसके दस्तखत जबरन ले लिए गए। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में राजू ने ये तमाम तफसीलात बताई और पुलिस से अपील की कि वो इंस्पेक्टर प्रसाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। राजू की दी गई शिकायत पर चिक्कड़पल्ली पुलिस ने 20 दिसंबर को एक FIR सेक्शन 365, 342, 324, 392, Red with 34 IPC के तहत दर्ज कर लिया था, जिसके बाद कल इंस्पेक्टर प्रसाद को चिक्कड़पल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया।